तो दोस्तों आज हम जो है ऑटो और कार में चलाने के लिए जो इस तरीके से जो एक म्यूज़िक प्लेयर बनाने वाले हैं जो कि 4440 IC में बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरा बनाने का तरीका जो है बताते रहूँगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जो है मैंने 4440 IC ओरिजिनल एम्पलीफायर बोर्ड यहाँ पर परचेज़ किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सैनो की IC यहाँ पर लगी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है। मैं आपको इसको एक बार ओपन कर कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको मार्केट में बहुत सारे 4440 IC में काफ़ी एम्पलीफायर बोर्ड मिल जाएंगे, लेकिन उनमें जो है ये बोर्ड जो है थोड़ा सा हेवी होता है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आ जाता है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से इसका पैकिंग आ जाता है। तो एक बार मैं आपको इसके सारे कनेक्शन भी लगभग कंप्लीट बता देता हूँ। इसके ऊपर जो है दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कनेक्शन भी एक बार डिटेल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक 2 कोर शील्ड वायर यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे जो है हमारा ऑडियो इनपुट यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये इसका वायर है ये। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार से येलो कलर में 4 वायर यहाँ पर है, इसमें से ये वाला वायर जो है राइट स्पीकर हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा और इस वायर से जो है हमारा लेफ्ट स्पीकर जो है कनेक्ट होगा। और देखिए दोस्तों ये जो है हमारा 12 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए इस तरीके से 2 वायर है, और ये जो है हमारा 5 वोल्ट आउटपुट का वायर है जिससे हमारा ब्लूटूथ पैनल कनेक्ट होगा। और यहाँ पर जो है 7805 रेगुलेटर IC भी लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है बास्टेबल कंट्रोल बोर्ड है। तो इसको भी मैंने लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ही परचेस किया है। आपको काफ़ी सारे कंपनी के मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है बास्टेबल कंट्रोल का जो बोर्ड आता है तो उसमें वायरिंग जो है लगभग सेम ही आ जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार से रिबन वायर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इससे जो है हमारा बास्टेबल कंट्रोल का जो हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे उसके साथ में ये वायर कनेक्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है और यहाँ पर वायर देख सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट हमारा पावर सप्लाई देने के लिए है, और यहाँ से जो हमारे वायर है वाइट वायर जो है ये हमारे ऑडियो इनपुट के है, और ग्रे वायर जो है हमारे ऑडियो आउटपुट के है। तो इसका जो सारा कुछ जो कनेक्शन है वो जो हमने इसका जो अभी जो इसको पन्नी ओपन किया था प्लास्टिक का, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों अभी जो है हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इस प्रकार से एक पुराना कैबिनेट लिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर पुराने कैबिनेट में इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 3 पोटेंशियोमीटर हमारे यहाँ पर कनेक्ट होंगे और यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल कनेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर पुराने कैबिनेट लिया हूँ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3 पोटेंशियोमीटर हमें लगाने होते हैं, जो कि 100K के है और ड्यूएल पोटेंशियोमीटर है ये। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार से बास और ट्रेबल के लिए यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर मिलते हैं। जब आप नया कैबिनेट खरीदते हैं तो उस प्रकार से जो है इसके साथ में पूरा ये सेटअप मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिंपल हम यहाँ पर एक बार इसका वायरिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसा कि हम वायरिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ट्रेबल के लिए देख सकते हैं दोस्तों रेड ऑरेंज येलो जो है हमारा वायर यहाँ पर यूज़ हुआ है ट्रेबल के लिए। तो सेम इसी प्रकार से जो हम क्या करेंगे यहाँ पर रेड ऑरेंज येलो जो इस प्रकार से जो 3 वायर है इसको हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं जो कि ट्रेबल के लिए है। तो सेम हम एक पोटेंशियोमीटर पर जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो ट्रेबल वाला हमारा पोटेंशियोमीटर है उस प्रकार जो है यहाँ पर हम ऑरेंज वायर जो है यहाँ पर यानी कि रेड ऑरेंज येलो वायर जो इस प्रकार से लगा लेंगे, और बाकी तीन तीन का जो वायर बचा हुआ है उसको हम इस प्रकार से बेस की तरफ लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से बेस ट्रेबल का भी जो है हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर जो है इसको ऑडियो इनपुट का वायर यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों शील्ड वायर को जो है हम इच्छी तरीके से यहाँ पर से ओपन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो रबर कोट है तो उसको हम हटा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से एक कोटिंग निकलता है, और यहाँ पर जो शील्ड वायर जो निकलता है तो इसको हम इस प्रकार से इसको घुमा कर जो है एक कर लेते हैं, तो इसके शॉर्ट ना हो इसलिए दोस्तों इसी हम रबर का टुकड़ा जो इस प्रकार से यहाँ पर कट कर लेते हैं और इसको जो है हम इस प्रकार से डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों शील्ड वायर जो है एक जालीनुमा थोड़ा सा वायर होता है। तो अभी जो है हम यहाँ पर इसका कनेक्शन करने वाले हैं। जो शील्ड यहाँ पर जो निकला हुआ है तो वो हमारा ग्राउंड वाला कनेक्शन होता है। तो सिंपल हम जो इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर का जो कॉर्नर वाला 2 पिन है उसको हम एक कर लेंगे और वहाँ पर उस शील्ड वायर को लगा लेंगे, और पोटेंशियोमीटर के बीच वाले जो 2 पिन है उन जगह पर जो है हम ये ब्लैक और रेड वायर पर
हम से ऑर्डर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इतना कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम ऑडियो इनपुट आउटपुट का कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि बास ट्रबल से कंट्रोल से है। तो दोस्तों इसका जो अभी यहाँ पर जो ग्रे वायर है दोनों, इसको हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के जो कॉर्नर वाला बचा हुआ पिन है उसको वहाँ पर हम इस प्रकार से सॉल्डर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट किया है। इसके बाद हम बोर्ड को 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार से जो है दो वायर लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक वायर ग्राउंड है और जो ब्राउन वायर है वो हमारा 12 वोल्ट का जो है प्लस वायर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो यहाँ पर दो वायर लगे हुए हैं, तो इसी जगह पर जो है हम इसको भी यहाँ पर वायर से ऑर्डर कर लेंगे, ताकि इसको भी 12 वोल्ट सप्लाई मिल सके। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ब्लूटूथ पैनल लेंगे और इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑडियो आउटपुट की जो तीन वायर है और ये जो है हमारा 5 वोल्ट इनपुट का वायर है, तो अभी हम इनका कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो ऑडियो आउटपुट का जो तीन वायर है, इसका जो बीच वाला वायर होता है वो ग्राउंड वाला होता है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ऑडियो आउटपुट का जो लेफ्ट राइट वायर है उसको जो है हम इस तरीके से बास ट्रबल कंट्रोल का जो व्हाइट वायर बचा था ऑडियो इनपुट का, उसको जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से वायर आपस में सॉल्डर कर लेंगे और इसको शॉर्ट ना हो इसलिए अच्छी तरीके से टेप लगा लेंगे। और देखिए दोस्तों जो बचा हुआ मिडल वाला ग्राउंड वायर जो है, तो उसको सिंपल जो हमने पोटेंशियोमीटर पर जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो शील्ड वायर यहाँ पर हमने कनेक्ट किया था उस जगह पर जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो इसका कनेक्शन हो चुका है। अभी इसके बाद देखिए दोस्तों हम इसको ब्लूटूथ पैनल चलाने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई देने वाले हैं। तो सिंपल जो मैंने इसका जो कनेक्टर बताया हुआ था, तो उसको हम यहाँ पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव वायर चेक कर कर इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसको वायर शॉर्ट ना हो इसलिए अच्छी तरीके से इसको भी टेप लगा लेंगे। तो दोस्तों लगभग जो है हमारा वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है हमें सिर्फ यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए जो दो वायर बचे हुए और यहाँ पर जो स्पीकर के लिए चार वायर बचे हुए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सारे येलो कलर के वायर है, तो इसको हम मार्किंग करने के लिए कुछ इस तरीके से इसको टेप लगा लेंगे, ताकि इस वायर का ग्रुप जो है आईसी का हमें अच्छी तरीके से पहचान जा सके। और दोस्तों आप चाहे तो इसका वायर निकाल कर दूसरा वायर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है कैबिनेट में हम इसको अच्छी तरीके से फिक्स करने वाले हैं। तो सब कुछ जो है अभी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रॉपर कैबिनेट में फ़िक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैबिनेट पर जो है काफ़ी सारे नीचे से यहाँ पर होल दिखाई देंगे, जो कि बोर्ड के अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पर कंपनी की तरफ से ही यहाँ पर दिए गए। तो सिंपल जो है हमें जो यहाँ पर सही लगेगा उस होल पर जो है हम इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे होल के ऊपर, और इसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ से छोटा सा जो है नट बोल्ट लगाकर अच्छी तरीके से कसकर इसको जो है हम फिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से इसको सेट कर लिया है और अच्छी तरीके से इसको नट बोल्ट लगाकर फिक्स किया है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमने यहाँ पर तीन पोटेंशियोमीटर लिए हुए, तो इसको हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं कैबिनेट में। तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए जो है हमें इस प्रकार से यहाँ पर जो स्क्रू लगे हुए दोनों साइड पर उसको हमें हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है हमें इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर स्क्रू से इसको टाइट करना पड़ेगा। दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसको, चाहे तो आप इसको इस प्रकार से यहाँ पर रख कर भी लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है इसका जो फ्रंट वाला पैनल है उसको इस प्रकार से स्क्रू हटा कर अलग कर लेंगे, और इसको जो है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे। और यहाँ पर जो स्क्रू के लिए जो होल दिया है, तो यहाँ पर हम जो स्क्रू लगाकर इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों अभी इसके बाद जो है हम ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ब्लूटूथ पैनल जो है हमारा फ्रंट साइड पर इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा, और इसको लगाने के लिए भी देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो सिंपल जो है हमें ये यहाँ पर मैंने स्क्रू कहीं पर गिर ना सके इसलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लगा कर रखा हूँ। तो इस स्क्रू को मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसको ब्लूटूथ पैनल लगाकर अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए दोस्तों हम इसका भी कनेक्शन करने वाले। तो जो ऑडियो आउटपुट का जो हमने यहाँ पर वायर लगा हुआ था, तो उसको हम इस प्रकार से इस कनेक्टर में लगा लेंगे, और इसके बाद जो हमने 5 वोल्ट सप्लाई के लिए जो हमने कनेक्टर लगा हुआ था उसको भी हम इसको 5 वोल्ट सप्लाई के कनेक्टर में इसको भी अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों इसका जो है कनेक्शन हमें करना पड़ेगा। कनेक्शन काफ़ी ईजी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो 12 वोल्ट सप्लाई के दो वायर यहाँ पर लगे हुए बचे हुए, तो इसमें से रेड वायर जो है हम यहाँ पर स्विच को इस प्रकार से एक रेड वायर यहाँ पर लगा लेंगे, और यहीं से एक वायर जो है हम बाहर सप्लाई के लिए लेंगे। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं इसको। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये स्विच ख़राब है, इसलिए दोस्तों मैं स्विच यहाँ पर मैं यूज़ में नहीं ले रहा हूँ। अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी भी कुछ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम इसको भी 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से या बास ट्रबल कंट्रोल का जो हमने बोर्ड लगाया हुआ है, तो यहाँ से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसको एलईडी चलाने के लिए।
लेकिन बात याद रखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 1K का एक रजिस्टर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1K का एक रजिस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है LED वायर का हम कनेक्शन कर लेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा बेस डबल कंट्रोल का जो बोर्ड है वो कुछ इस तरीके से ओपन है, तो कहीं पर भी लग कर जो है शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसको जो है अच्छी तरीके से कवर करने के लिए जो हमने इसको जो पन्नी हमें मिली थी इसके साथ में, तो इसी पन्नी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल जो है प्लास्टिक की पन्नी हम इस प्रकार से इसको यहाँ पर रख लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इसको जो है हम इंसुलेशन टेप लगाकर जो अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे ताकि जो है कोई भी यहाँ पर अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो देखिए दोस्तों, लगभग जो है यहाँ पर हमारा कैबिनेट जो है भी अच्छी तरीके से फिक्स भी हो चुका है। जो हमने फ्रंट के स्क्रू भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो सारे वायर जो है कनेक्शन के हम बाहर ले लेते हैं। अगर आप FM यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से वायर ब्लूटूथ पैनल से कनेक्ट कर बाहर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर FM का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद जो है कैबिनेट का जो ऊपर वाला जो यहाँ पर बचा हुआ पार्ट है उसको हम लगाकर अच्छी तरीके से स्क्रू लगाकर इसको भी फिक्स कर लेते हैं और इसका टेस्टिंग ले लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सप्लाई भी इसको मिल चुका है, तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके से दो स्पीकर यहाँ पर लगाए हुए हैं, जो कि ये जो है 100 वाट का एक वूफर है और दोस्तों ये जो है ड्यूल कॉइल सब वूफर है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दोनों एक साथ लगाकर जो इसका अच्छी तरीके से टेस्टिंग लेकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है काफ़ी आसानी से जो है हम ऑटो रिक्शा में या कार में चलाने के लिए इस तरीके से हम म्यूज़िक प्लेयर को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये म्यूज़िक प्लेयर कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।